मैं श्यामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। एनसीपी वर्सेस एनसीपी मुमरा में शुरू हो गया है। पूर्व नगर सेवक एनसीपी के राजन कीने के खिलाफ गद्दार है कि नारे लगाते हुए एनसीपी के तमाम कार्यकर्ता इकबाल और शिवा जगताप ऐसे तमाम और प्रवीण लोग जो है राजन कीने के ऑफिस के सामने ही गद्दार है कि नारे लगा रहे थे। तो शिवा भाई आप क्या कहेंगे, राजन कीने के ऑफिस के पास जाकर आप तो गद्दार का बैनर का पोस्टर लेकर गए थे, नारे लगा रहे थे, क्या कहेंगे प्रवीण भाई? प्रवीण भाई शिवा भाई नहीं बोले आप, ऐसा बैनर एनसीपी के ही जो पूर्व नगर सेवक है उनके उनके ऑफिस में जाकर इस तरह का गद्दार गद्दार चौका चौका क्या बोलेंगे, चौक पे चलो चौक में चौक में गद्दार गद्दार राजन जी गद्दार राजन जी गद्दार। ये सभी लोग जो है राजन कीने की जो ऑफिस है वहाँ पर जाकर गद्दार है के बैनर लेकर वहाँ पर जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे। दरअसल आज जो है रीदा रशीद जो है उनको रीदा रशीद ने जो FIR दर्ज कराई थी उस मामले में जितेंद्र अवार्ड पर जमानत मिली है और उसके बाद जो है तमाम एनसीपी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, लेकिन राजन कीने के ऑफिस के पास जाकर गद्दार है के बैनर लेकर ये पटाखे फोड़े और जश्न मनाए। और अब वहां से निकलकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चौक है वहां पर ये सभी लोग जा रहे हैं और जो नारे भी यहां पर लगाए जा रहे हैं भीमराव अंबेडकर चौक पर जा रहे हैं। उसके बाद ये मीडिया से जो है बातचीत करेंगे। शिवा भाई क्या कहेंगे आप इस तरह से जो है लेकर गए? अरे मालूम है उनको, तुम बोलो ना उनसे बात करें, नहीं बोल रहे नहीं कर सकते। विनोद भाई आ जाओ, शाहरुख भाई ऐसा आ जाओ, ऐसा विनोद भाई शाहरुख भाई मुकबाल भाई और आरिफ भाई विनोद भाई किधर है? विनोद भाई किधर है? तुम आ गया अप्पा आरिफ भाई आ जाओ। चेतना मैडम प्रवीण चेतना मैडम थोड़ा फैल जाओ ना, ऐसा एकदम गर्दी गर्दी मत करो, थोड़ा आराम थोड़ा उधर जाओ। बोलो शिवा भाई आप कौन बोलेगा अभी? प्रवीण भाई आप लोग जाकर नारेबाजी किए राजन कीने के ऑफिस के सामने, गद्दार है के नारे लगाए, क्या है पूरा मामला? एनसीपी वर्सेस एनसीपी चालू हो गया है, पूरा महाराष्ट्र देख रहा है किसके घर में बैठकर ये साजिश रची गई। हमारे महाराष्ट्र के सेक्युलर नेता डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब को फंसाने की जो साजिश, गंदी राजनीति जहाँ से शुरू हो गई वो किसका घर था, कहाँ मीटिंग हुई, पूरा महाराष्ट्र लाइव देख रहा है टीवी पर। और जो राजन कीने ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें कहा कि मैं गद्दार नहीं हूँ, जो लोग बोल रहे वही गद्दार है। अरे हमारी ईमानदारी आव्हाड साहब नहीं पूरे महाराष्ट्र ने देखा, जब आव्हाड साहब को वर्तक नगर चौकी में रखे, जब भी हम उपस्थित थे मुमरा परिसर में रखे जब भी, अरे तेरा घर तो बाजू में था, ठीक है तू बोलता मैं नासिक में था, मेरी औरत बाहर थी। जब आव्हाड साहब पे 354 गंदा आरोप लगा, और किसने लगाया? जो राजन कीने के साथ घूमती है, जिसको राजन कीने लेके घूमता है वो औरत ने लगाया है, और राजन कीने के कहने पर ही लगाया, क्योंकि छठ पूजा के दिन आप सबने सुना होगा रीदा रशीद ने साफ कहा था कि मैं राजन दादा के कहने पर चलती हूँ और राजन दादा का कहना मेरे लिए रहता है, राजन दादा का मार्गदर्शन मेरे को रहता है। तो इस चीज में भी राजन दादा का ही मार्गदर्शन उसको था, पूरा देश देख रहा है लाइव मीडिया के। अगर राजन कीने गद्दार नहीं रहते तो ये प्रोग्राम जब आव्हाड साहब के ऊपर 354 हुआ, पूरी एनसीपी पार्टी रात भर से वहां पे मौजूद थी पुलिस स्टेशन में, राजन कीने के घर के चार तीन नगर से होने के बाद भी एक भी आदमी उधर नहीं था। तो इसका मतलब यही है कि तुम ऐसे गंदे राजनीति वालों को सपोर्ट कर रहे हो और तुम ही वो सब करवा रहे हो। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात से इनकार किया है कि उनका इस षड्यंत्र में कोई हाथ नहीं है। अरे उन्होंने इनकार किया है पर उनका हाथ नहीं था तो एनसीपी के नगर सेवक थे वो, उन्होंने तीन तीन नगर सेवक थे, आए क्यों नहीं आए वहाँ पे मुमरा पुलिस स्टेशन में, जबकि पूरी एनसीपी पार्टी आव्हाड साहब के साथ देने के लिए वहाँ पे थी, तो उनका घर तो बाजू में था, क्यों नहीं आए? क्या तभी भी नासिक गए थे, किधर गए थे? जब 12:10 को उन्होंने बोला केस हो गई 12:10 को, और 1 बजे के टाइम पे वो बोल रहे कि वहाँ पे रीदा रशीद आई हुई थी,
तो उनके रिदा रशीद के एक फोटो के अंदर एक पेपर दिख रहा है उनके हाथ में। तो सीधी बात है, जो आवार एक आवार साहब कोई छोटा नेता नहीं है कि 354 में जाके डाल दू तो डालेगा, छोटा नेता तो नहीं है। 354 जब दाखिल हुआ, दाखिल होने के बाद में वहां जाती है, एक लेडीज डाल सकती है, रिदा रशीद एक अकेली लेडीज 354 डाल सकती है। हालांकि वीडियो में दिखता है लास्ट तक अगर बहुत ही अगर गुस्सा आ रहा है ना 323 होता, बहुत धक्का दे दिया है, लेकिन 354 एक आवार साहब पे होता है, ये छोटी बात नहीं है। 12-10 को गुना होता है और 1:15-1 बजे वो बोल रहे कि हमारे आवाज आई थी। जब तुम्हारे बड़े नेता पे एक लेडीज आकर केस डाल रही है इतनी गंदी, और उसके बाद में तुम उनको वहां पे ले रहे। राजन किने का कहना है कि उनके यहाँ का सीएम आए थे, उस वक्त तमाम लोगों ने मुलाकात की, उसी बीच में रीदा रशीद भी मुलाकात, ठीक है ना। मैं क्या सुनो, मैं क्या रहा हूँ, ये छोटी बात है क्या? मैं इस्लामुद्दीन भाई आपको पूछता हूँ, 354 आवार साहब के ऊपर होता है और उसकी कल्पना राजन किने साहब को नहीं होती है? हंसी वाली बात नहीं, जोक नहीं। हाँ, उसके बाद में वो रीदा रशीद डालती है और रीदा रशीद वहां पे आती है। देखो मुख्यमंत्री को पता भी नहीं होगा कौन रीदा रशीद है, मैटर ही नहीं है। ये क्या है, लोकल राजनीति में बड़ा पावर लेके यूज करना, माइलेज बनाना, कोई मतलब नहीं है। ये खाली बस दिखावा है और आने वाले दिन में दिखेगा, ये तो हम बोल रहे हैं ना। इसके काफी दिनों से बुमराह के अंदर चर्चा चल रही है, कौन क्या कर रहा है, बस पीछे से चाबी घुमाना बंद करो, सामने आ जाए। अभी ये तो जो है आवाज साहब ही डिसाइड करेंगे, रखना है या उनको नहीं रखना है आगे। जब भी उनकी सिचुएशन ऐसी आती है, उनको लगता है कि अभी इस पार्टी से मेरा काम नहीं होने वाला है, वो पार्टी फौरन बदल देते। लास्ट टाइम सेना में थे, जब पैनल वाला इलेक्शन हुआ, जिगजैग हुआ, वो समझ गए मैं नहीं जीतने वाला हूँ, तो राष्ट्रवादी में आ गए। अब आगे जाके क्या सिचुएशन होती है, खुद उन्होंने अपने बाइट में कहा है कि वक्त का जो तकाजा होगा मैं उस तरीके से उस पार्टी में जाऊंगा। तो ऐसे आदमी का क्या भरोसा कि वो कल कौन सी पार्टी के अंदर है। और जिस आदमी ने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है, उसको तो सवाल पूछने का तरीका भी नहीं आता है। ऐसे सवाल पूछ रहा है जैसे उसको वो वॉश आउट कर रहा है। अरे जब उसने, तुम ये सवाल पूछो ना कि अगर तुम बोल रहे हो मैं पार्टी का लॉयल हूँ, आवार साहब मेरे, तो वहाँ बैनर आवार साहब का क्यों नहीं लगाया, शिंदे साहब का क्यों लगाया, शिंदे साहब का लगाया, बाजू में आवार साहब का नहीं लगाना मंगता था? तो यहाँ से ही साबित हो रहा है ना। और अभी इसके लिए क्या कुछ दूसरा कुछ हम लोग को ये करना है कि पानी पे चल के दिखाना है? वहाँ पर बीजेपी का बैनर नहीं लगा, क्या वजह से किसी के दबाव में नहीं लगा या पार्टी ने खुद नहीं लगाया? 2-3 दिन पहले से साहब का जो थिएटर वाला मामला था, सारे कार्यकर्ता वहाँ बिजी थे, सब लोग उसी में बिजी थे। सैटरडे के दिन सब लोग उसमें वहाँ से फ्री हुए इवनिंग के टाइम, दूसरे दिन सब अपना आराम कर रहे थे। अचानक वो 4 बजे का जो है डिक्लेरेशन, इसका कोई ऐसा ग्लोबली ऐसा एडवर्टाइज नहीं हुआ था कि भाई आज संडे के दिन 4 बजे होने वाला है कि पूरे, किसको पता था, आम लोगों को भी नहीं, किसका आम उमरा में। बाद में भी लोगों ने छोटे पैम्पलेट पकड़ के खड़े हुए, क्योंकि राष्ट्रवादी झगड़ा नहीं चाहती है। जब तक हमारे को ऊपर से आदेश नहीं आता, हम काम नहीं करते। और इस बार आपके चैनल से बोलना चाहूंगा कि अभी कोई चालबाजी चलेगी नहीं कि पैर छू लो और माफ कर दो। अगर ये चलता रहेगा तो आगे भी तकलीफ होगी। ये अभी सबकी समझ में आ गया, अब राष्ट्रवादी पार्टी छटाई करेगी गद्दारों की और जो निस्वार्थ काम करने वालों की। वो अभी लिस्ट बन रही है, वो ब्लैक लिस्ट बन रही है, वो हो जाएगी। आप ही बता दो बेहतर है, और इंशाल्लाह करेंगे। आपको ज्यादा पता है मैडम, क्या कहेंगे आप? आंदोलन हुआ और जो है नारे लगाए गए, ऐसे में इनके खिलाफ ये नारेबाजी हुई, कहा जा रहा है, उनका भी कहना है कि जो मुझे गद्दार कह रहे हैं वो लोग। देखिए वो क्या कह रहे हैं, इससे अच्छा उन्होंने ये गए 5-6 महीने में शादी भी कर चुके हैं कि जो लेडीज बीजेपी से बिलोंग करती है, और अगर ये एनसीपी पार्टी के हैं तो इन्होंने एनसीपी पार्टी के बने लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। जबकि वो बीजेपी के लेडीज को लेकर के पूरा एरिया घूम रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, यहाँ तक कि वो लोग खुद बीजेपी की लेडीज जो कोई काम कर रही है उसके ओपनिंग में जा रहे हैं, उसके फंक्शन में जा रहे हैं। हाँ, तो ये उन्होंने पहले से ही साबित करते हुए आए हुए हैं। और साथ में जब इन्होंने ही खुद इनके बाइट में कहा है कि 12-10 को FIR हुई है और 1 बजे मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ आए हैं, तो
तो अगर ये पार्टी से लॉयल थे तो ये बोल सकते थे कि भाई है ना, आप मेरे आमदार को, मेरे स्थानिक आमदार के ऊपर, मेरे एनसीपी के आमदार के ऊपर कंप्लेन करके आई हो, आप यहाँ नहीं आ सकती हो। उन्होंने खुद ही विरोध करना चाहिए था उसका, जबकि वो खुद उनको घर पर लेके बैठे, मुख्यमंत्री से मिलवाया, सब चीज किए। तो ये 12:10 को FIR हुई और 1 बजे ये मुख्यमंत्री से मिलने के लिए अपने घर में ऑल आउट करते हैं। देखिए मुख्यमंत्री जी उनके घर पर आए, इससे हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं, उनके रिलेशन है पहले के, उनके कहने के हिसाब से तो वो आए। लेकिन जिस पार्टी के मैंने जिस औरत ने इनके ऊपर मैंने इनके पार्टी के एक जाने माने स्टेट के 4 नंबर पे चलने वाले नेता के ऊपर और इन्हीं के पार्टी के नेता के ऊपर और स्थानीय आमदार के ऊपर 12:10 पे इनके कहने के हिसाब से बाइट में जिसने FIR की, उस औरत को ये अपने घर में अलाउट करते हैं रात को 1 बजे। ये तो गलत बात है, जबकि इतने बड़े नेता, इनके नेता को, इनके इन्होंने FIR करने वाले लेडीज को ये एंटरटेन करते हैं और VIP कोटे के अंदर VIP लोगों के साथ में बिठाते हैं। हाँ, तो इसको क्या समझा जाए फिर? VIP लोगों के साथ बिठाते हैं, नहीं मैं ये देखिए वो इनकार कर रहे हैं, लेकिन क्लिप्स बोल रही है कि रात को 12:10 बने, उनके ही स्टेटमेंट के हिसाब से वापस मैं दोहरा रही हूँ कि 12:10 को FIR हुई है तो 1 बजे इनके घर में जो लेडीज इनके स्थानीय आमदार के ऊपर और इनके पार्टी के आमदार के ऊपर जिन्होंने इनके घर में 3-3, 4-4 टिकट दिए, ऐसे आमदार के ऊपर 12:10 पे FIR करती है, उसी लेडीज को लेके ये इनके घर पे रात को VIP लोगों के साथ बैठते हैं। इसको क्या समझा जाए, अभी जो उन्होंने इंटरव्यू दिया उसमें वो कह रहे हैं मेरी माँ सुनीता राय सातपुते के बारे में और मेरे बारे में कि हम गद्दार है। अगर हमने मुंह खोल दिया कि 5 साल में तुमने हम जो क्या क्या कहा आवार साहब के बारे में ये वो, तो उनके लेने के देने पड़ जाएंगे। अगर हम गद्दार होते तो पार्टी के साथ नहीं रहते, हम तो 5 साल पार्टी के साथ लॉयल है। और 2012 में आप सबको पता है कि अगर राजन कीने और उनकी फैमिली गद्दारी नहीं करती तो हमारे नजीबुल्ला मेयर बन जाते थे। तो पहले से गद्दार है, वो गद्दार ही है, एक पार्टी के साथ कभी लॉयल है ही नहीं। तो आपने सुना कि जिस तरह से यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था राजन किनी के खिलाफ, उन्हें गद्दार कहा जा रहा है। हालांकि उन्होंने विविध प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, उनका कहना है कि जो लोग उन्हें गद्दार कह रहे हैं वो लोगों पर गद्दार का वो होने का वो आरोप लगा रहे। लेकिन राजन किनी के ऑफिस के पास NCP के तमाम कार्यकर्ता आज पहुंचकर गद्दार है का बैनर लेकर गए, वहां पर पटाखे फोड़े और जो है ढोल तासों के साथ वहां पर जश्न मनाया। उसके बाद फिर अम्बेडकर चौक पर यहाँ वो पहुंचे, मीडिया से बातचीत की। लेकिन ये पूरा मामला अब NCP वर्सेस NCP का भी हो गया है और ये भी कहा जा रहा है कि अब जो है NCP पार्टी में मुमरा में छटनी की जाएगी। जो लोग इस तरह से NCP पार्टी में रहकर ही NCP के खिलाफ है उनको जो है हटाया जाएगा।